गाइस इंस्टाग्राम पर इस टाइप की फार्मिंग वाली वीडियोस गाइस सबसे ज्यादा वायरल होती हैं। अगर आप भी इस टाइप की फुल वायरल वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो गाइस मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं। तो गाइस आप इस टाइप की वीडियो को कैसे बना सकते हो और गाइस वीडियो में आपको इस टाइप का फुल वायरल आईफोन सनसेट इफेक्ट कैसे ऐड करना है, गाइस वीडियो में आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी सेट जरूर से कर दें, बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या, आपको अपने VNF को ओपन करना है और आपको VNF डाउनलोड कैसे करना है वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आगे आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, गाइस आपको अपने वीडियो को चूज कर लेना है जिसको आप अभी एडिट करना चाहते हो। गाइस मैं से वीडियो चूज कर लेते, देन आपको एरो वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको यहाँ पे अपने एक वीडियो शूट करनी पड़ेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, गाइस यहाँ पे एंड्रॉइड की वीडियो है और गाइस आपको ऐसे एक वीडियो शूट कर लेनी है। गाइस आपको शाम के टाइम वीडियो को शूट करना है और जब थोड़े थोड़े बादल है आपको तब वीडियो को शूट करना है। तो सभी क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको आप लास्ट में जाना है, वाटमार्क पे क्लिक करना है एंड आपको डिलीट कर देना है। देन आपको शुरू में आना है और इस फिल्टर वाले ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको सबसे नया तरीका बताने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखना। देन आपको पे एडजस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी एक्सपोजर को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो आप इसे इतना करेंगे, देन आपको पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपका पे कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है इतना, ठीक है, आप यहाँ पे 40 के अराउंड भी रख सकते हो। देन आपका पे सैचुरेशन पे क्लिक करना है एंड आपका पे इसको बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो फिलहाल आप इसे इतना करेंगे, देन आपका पे वाइब्रेंस पे क्लिक करना है। अब गाइस देखो, जैसे आप अभी वाइब्रेंस को बढ़ाओगे गाइस आपकी वीडियो में यहाँ पे कलर्स यहाँ पे उभर के आएंगे, आप अभी देख सकते हो। सो आप कैसे अपने वीडियो के हिसाब से रखना है जितनी आपकी वीडियो पे ठीक लग रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप पे जो सन यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है देखने में, आप अभी देख सकते हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं आप इसे इतना कर लूंगा, देन आपको पे टेम्परेचर पे क्लिक करना है। अब गाइस देखो, आपका पे टेम्परेचर को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे, आप अभी देख सकते हो गाइस बिल्कुल आईफोन वाला इफेक्ट आ रहा है। देन आपका पे HSL गाइस आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, आपका पे रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे रेड वाले के सैचुरेशन को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे, देन आपका पे नेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है और आपका पे इसकी सैचुरेशन को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। तो गाइस आप कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है आप अभी देख सकते हो। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे और इसके हुई को आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेना। गाइस आप कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है आप अभी देख सकते हो। गाइस आप इसका बिल्कुल येलो हो चुका है। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे, देन आपको पे नेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है येलो पे और आपका पे इसकी सैचुरेशन को आपको पे आगे की तरफ बढ़ा लेना है। जैसे आप जितने भी कलर्स आपका पे सेम ऐसे करना है, आप यहाँ पे देख दो, आप जो ग्रीन कलर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है देखने में। वैसे आप यहाँ पे ग्रीन कलर में लाइट भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। सो आप यहाँ पे देख दो आप कितना तगड़ा लग रहा है देखने में। सो फिलहाल मैं आपसे इतना करूँगा, जैसे आपका पे सारे कलर्स पे क्लिक करना है एंड आपका पे उनकी सैचुरेशन को आगे की तरफ बढ़ा लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन जैसे आपका पे शार्पन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पे शार्पन को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो बस आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे, देन आपका पे शेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपको पे शेडो को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है, जो आपका पे डार्क पार्ट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे, देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो बस अभी क्या करना है, देखो साउंड एड करना है तो उसके लिए आपको पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन आपको माई म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपको पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। देन आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपका पे एक वीडियो मिलेगी साउंड वाली। अब देखो साउंड वाली वीडियो डाउनलोड कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आगे आपको सारा कुछ बता दूंगा। सो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑटोमेटिक इसका साउंड निकल के आ जाएगा। वैसे आपका भी माई म्यूजिक पे क्लिक करना है, देन आपका भी माई म्यूजिक पे क्लिक करना है। जैसे आप साउंड आ चुका है आप देख सकते हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, चूज करेंगे एंड आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और इस वाला ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने वीडियो के साउंड को बिल्कुल जीरो कर देना है, ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो गाइस आप बिफोर आफ्टर देखते हो यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। गाइस अभी बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर है, गाइस बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर है, गाइस यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क आ चुका है आप अभी देख सकते हो। देन आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वीडियो ऑफ गेलिंग सेव हो जाएगी। और गाइस आप जिस ऐप का यूज किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आपने जिस साउंड वाली वीडियो का यूज किया तो बस इसकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वीडियो को बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना।